नमस्कार साथियों, मैं रामलखन सैनी आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीप के भारत के पर्वतों के बारे में। साथियों, इससे जो पहले का वीडियो था उसमें हमने उत्तरी भारत के पर्वतों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने मुख्य रूप से हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसके जो विभिन्न भाग हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय, इन सभी का हमने विस्तार से अध्ययन किया था। लेकिन साथियों, उस वीडियो में हम उत्तरी भारत के सभी पर्वतों का अध्ययन नहीं कर पाए थे, इसलिए साथियों आज की इस वीडियो में हम उत्तरी भारत के उन महत्वपूर्ण पर्वतों का भी अध्ययन करेंगे जिनका हम पिछली वीडियो में अध्ययन नहीं कर पाए थे। चलो साथियों, शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों, अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से चार पर्वत पाए जाते हैं, जिनमें पहला है डाफला, दूसरा है अबोर, तीसरा है मीरी और चौथा है मिसमी। जी हाँ साथियों, ये चारों पर्वत डाफला, अबोर, मीरी, मिसमी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में। तो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में है असम। वैसे तो साथियों, असम का जो अधिकांश भाग है वो मैदानी भाग है, क्योंकि साथियों यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की तरफ एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इस कारण से असम का जो अधिकांश भाग है वो मैदानी प्रदेश है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निकिर हिल्स। जी हाँ साथियों, इसके अलावा जो हमें पढ़ लेना चाहिए, उत्तरी पूर्वी भारत में मिजोरम में है मिजो हिल्स, नागालैंड में है नागा हिल्स और मेघालय में है गारो खासी जयंतिया। जी हाँ, गारो खासी और जयंती, ये तीनों पहाड़ मेघालय में स्थित है, इसलिए वीडियो में हमने इन तीनों पहाड़ों के बारे में अध्ययन किया था। चलो साथियों, अब चलते हैं हम पश्चिमी भारत की तरफ। तो पश्चिमी भारत में गुजरात से राजस्थान के मध्य से होते हुए हरियाणा तक एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जिसको जानते हैं हम अरावली के नाम से। जी हाँ साथियों, अरावली जो पर्वतमाला है वो गुजरात से शुरू होती है और राजस्थान के मध्य से गुजरती है और राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है और हरियाणा तक फैली हुई है। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है साथियों, ये प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। जी हाँ साथियों, प्राचीन वलित, और जो ये हमारा हिमालय है वो है नवीन वलित, नवीन वलित। साथियों, नवीन वलित और प्राचीन वलित, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो होता है टाइम का। जी हाँ साथियों, प्राचीन वली जो पर्वतमालाएं हैं वो आज के लगभग 40 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व में बनी थी और नवीन पर्वतमालाएं जैसे कि हिमालय है, इनकी उत्पत्ति आज के 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व में हुई थी। ऐसा कहा जाता है साथियों कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये पूर्व में हिमालय से भी अधिक ऊंची थी, लेकिन अपरदन और अपक्षय इन दोनों कारकों के फलस्वरूप में आज इसकी जो ऊंचाई है वो हिमालय की तुलना में काफी कम रह गई है और अब ये मात्र अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानी जाती है। अरावली पर्वतमाला को साथियों अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। चलो साथियों, अब चलते हैं हम दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में। साथियों, मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई है, जिसमें पहली पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल। जी हाँ, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल का जो पूर्वी भाग है साथियों वो कहलाता है कैमूर हिल्स के नाम से, कैमूर
हिल्स। इसी प्रकार विंध्याचल के दक्षिण में यानी कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में भी एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसको जाना जाता है सतपुड़ा रेंज के नाम से, सतपुड़ा रेंज। साथियों सतपुड़ा रेंज को हम तीन भागों में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसका जो पूर्वी भाग है वो नेपाल के नाम से जाना जाता है, नेपाल पर्वत के नाम से जाना जाता है, और जो इसका मध्य भाग है वो जाना जाता है महादेव पर्वत के नाम से, और जो इसका लास्ट पश्चिमी भाग है वो जाना जाता है राजपीपला हिल्स के नाम से। साथियों जो इसका पूर्वी भाग है वहां एक पर्वत चोटी पाई जाती है, वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ साथियों, नाम उसका आपको पता होगा, अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ से कुछ नदियों का उद्गम भी होता है, जिसमें दो नदियां महत्वपूर्ण है। पहली नदी है नर्मदा नदी और दूसरी नदी है सोन नदी। जी हाँ, सोन और नर्मदा, इन दोनों नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है। इसी प्रकार महादेव हिल्स में भी एक पर्वत चोटी पाई जाती है, उस पर्वत चोटी का नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वो एमपी की यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। जी हाँ, धूपगढ़ एक टूरिस्ट प्लेस है और ये एमपी की सबसे ऊंची चोटी भी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ी थी अमरकंटक, और पहली सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। अब चलते हैं साथियों गुजरात की तरफ। तो गुजरात में जो ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है इसमें एक पर्वत पाया जाता है, नाम है उसका गिर रेंज, और गिर रेंज में ही एक पर्वत है गिरनार। ये गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है गिरनार। चलो साथियों अब चलते हैं हम महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ। महाराष्ट्र में साथियों, उत्तरी महाराष्ट्र में इस स्थान पर एक पर्वत श्रृंखला है, एक पर्वत है जिसको हम जानते हैं गाविलगढ़। जी हाँ, गाविलगढ़ के नाम से। ये भी साथियों सतपुड़ा रेंज का ही भाग है। गाविलगढ़ के पश्चिम में अजंता हिल्स है, और अजंता के पश्चिम में है सतमाला रेंज, सतमाला पर्वत। सतमाला के दक्षिण में उत्तर से दक्षिण में एक पर्वत है जो पश्चिमी घाट का ही भाग है, पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसका ही भाग है, इसको हम जानते हैं हरिश्चंद्र पर्वत के नाम से। हरिश्चंद्र पर्वत में भी साथियों एक चोटी है जिसको हम कलसुबाई के नाम से जानते हैं, कलसुबाई। ये जो चोटी है वो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। इसके अलावा हरिश्चंद्र पर्वत के दक्षिण में एक और पर्वत है जिसको हम जानते हैं महाबलेश्वर के नाम से, महाबलेश्वर। और जो महाबलेश्वर है ये महाराष्ट्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ साथियों, पहली सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। इसके अलावा एक और पर्वत जो है महाराष्ट्र में हमें पढ़ लेना चाहिए, नाम है उसका बालाघाट। इस प्रकार मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में है गाविलगढ़, अजंता हिल्स, सतमाला हिल्स, हरिश्चंद्र हिल्स में है कलसुबाई जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, हरिश्चंद्र रेंज के दक्षिण में है महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर महाराष्ट्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब चलते हैं हम कर्नाटका की तरफ। तो कर्नाटका में एक पहाड़ का नाम हम सभी ने सुना होगा, बाबा बदून हिल्स। जी हाँ साथियों, बाबा बदून हिल्स जो है
वो आयरन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, लोहा इस्पात की दृष्टि से, उच्च कोटि के लोहा इस्पात की दृष्टि से काफी प्रसिद्ध है। यहाँ का जो लोहा है वो मैंगलोर पोर्ट से, मंगलोर पोर्ट से ईरान को निर्यात कर दिया जाता है। साथ ही इसी पहाड़ी के पास में विश्व सरैया, नाम हमने सुना होगा, विश्व सरैया नाम से एक आयरन लोहा इस्पात की फैक्ट्री है, वो भी काफी फेमस है। बाबा बदून हिल्स का जो आयरन है वो विश्व सरैया आयरन जो इस्पात फैक्ट्री है उसमें काम में लिया जाता है। अब चलते हैं कर्नाटक की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी तरफ। तो जो कर्नाटक की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है मुल्यान गिरी। ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कद्रेमुख। जी हाँ साथी, पहली सबसे ऊंची चोटी है मुल्यानगिरी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कद्रेमुख। अब चलते हैं साथियों दक्षिणी भारत की तरफ, जहाँ हमारे दो राज्य स्थित हैं, केरला और तमिलनाडु। साथियों केरला और तमिलनाडु इन दोनों की सीमाओं पर तीन पर्वतमालाएं विद्यमान है। उत्तर में है नीलगिरी की दक्षिण में है अन्नामलाई की पहाड़ियां, और अन्नामलाई के भी दक्षिण में है कार्डमम पहाड़ियां, यानी कि इलायची की पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियों में साथियों तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, नाम है उसका दोदा बेटा। ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 2636 मीटर। इसी प्रकार अन्नामलाई में केरल की सबसे ऊंची चोटी है, नाम है उसका अन्नाई मुड़ी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। साथियों ये जो अन्नामलाई पर्वतमाला है इसमें जो अन्नाई मुड़ी जो पर्वत चोटी है वो ना केवल केरल की सबसे ऊंची चोटी है, ये जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत है, संपूर्ण जो दक्षिणी भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुड़ी, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। जी हाँ साथी, और दक्षिणतम जो पहाड़ी में नाम आता है वो है कार्डमम पहाड़ी। साथियों कई एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन पर्वत श्रृंखलाओं को आप उत्तर से दक्षिण के ऑर्डर में रखिए या फिर पूर्व से पश्चिम के ऑर्डर में रखिए, जिसमें कई बार हम नीलगिरी अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियों के बारे में पूछा गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी के दक्षिण में है अन्नामलाई और अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम। इसके अलावा अन्नामलाई के पूर्व में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसको हम जानते हैं पालनी की पहाड़ी। इसके अलावा साथियों तमिलनाडु में दो पर्वत और है जिनको भी हमें पढ़ लेना चाहिए, जिसमें पहला है जावली हिल्स और दूसरा है सेवराई हिल्स। ये दोनों पर्वत पूर्वी घाट का हिस्सा है, पूर्वी घाट जो पर्वत है उसका हिस्सा है। जावली हिल्स और सेवराई हिल्स ये दोनों पर्वत पूर्वी घाट के हिस्से हैं, और पश्चिमी घाट जो हमारा पर्वत है जो गुजरात से स्टार्ट होता है और केरला तक फैला हुआ है, इसमें उत्तर में है राजपीपला, हरिश्चंद्र के बाद में आता है कद्रेमुख के बाद में इधर नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। ये सभी जो पर्वत है ये पश्चिमी घाट पर्वत के हिस्सा है। जी हाँ साथियों, अब साथियों हम चलते हैं
आंध्र प्रदेश की तरफ। तो आंध्र प्रदेश में साथियों तीन पर्वत महत्वपूर्ण है, जिसमें है बालकोंडा, गेलीकोंडा और तीसरा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों की सीमा बनाता है, जिसका नाम है नल्ला मलाई। अब बढ़ते हैं हम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की तरफ। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कुछ पर्वत हैं जिनको हमें पढ़ लेना चाहिए, जिसमें पहला एक पर्वत है उड़ीसा में गर्जाट, इसके अलावा दूसरा है मलयगिरी, एक पर्वत और है यहाँ पे महेंद्र गिरी, और उड़ीसा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है देवमाली। जी हाँ, देवमाली उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ में है रामगढ़ हिल्स। रामगढ़ जो हिल्स है वो छोटा नागपुर का जो पठार है उसी का हिस्सा है साथी, और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है बेलाडीला लोहा इस्पात के लिए काफी फेमस पहाड़ है साथी। इस प्रकार साथियों आज का ये जो हमारा वीडियो था वो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद साथियों।